डॉक्टर मित्तल ने अलवर न्यूज को बताया कि प्रशासन लगातार हॉस्पिटल को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और दवा उपलब्ध करा रहा है, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पा रही है। ऐसे में किसी संक्रमित मरीज के साथ कोई अनहोनी नहीं हो, इसीलिए मरीजों को भर्ती नहीं करने का निर्णय लिया गया है। पहले भर्ती मरीजों को ही सुविधा देकर उन्हें स्वस्थ करने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य सरकार ने मित्तल हॉस्पिटल अलवर को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में चयन किया हुआ है और इस समय कोविड के 22 मरीज भर्ती हैं, जिनमें 5 पेशेंट वेंटिलेटर पे, 1 बाईपैप पे है, 6 पेशेंट हाई फ्लो ऑक्सीजन के ऊपर हैं और 11 पेशेंट जो हैं नॉर्मल ऑक्सीजन के ऊपर हैं। तो इस तरह हमारी रिक्वायरमेंट 45 सिलेंडर की बनती है रोज़, और हमें जो अलॉट होते हैं वो 33 सिलेंडर होते हैं। रात को हमारे प्रशासक और हम मिलकर के प्रयास करते हैं कि कैसे न कैसे रात को हमारे मरीजों की जिंदगियां बचाई जाएं, और उसके लिए हम बहुत प्रयास करके कहीं से 10, कहीं से 5, कहीं से 2 सिलेंडर्स की व्यवस्था करते हैं। जिला प्रशासन साथ दे रहा है हमारा, और मैं मजबूरी भी समझता हूं कि इतनी कमी होती है ऑक्सीजन के देश में और सभी जिलों में। और पर जिस तरह की मैं घटनाएँ सुनता हूँ कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से मौतें हो गई, बेंगलोर में हो गई, चेन्नई में हो गई, तो मुझे हमेशा ये डर लगा रहता है कि कभी मित्तल हॉस्पिटल में इस तरह की हादसा नहीं हो जाए। तो आज हमने इसलिए सब मरीजों का एडमिशन्स बंद कर दिए हैं, और जो मरीज हमारे हैं उनको हमने टाइम से ही रेफ़र करने के लिए कह दिया है कि अपने अपने मरीज को कहीं भी सरकारी या जयपुर या कहीं भी अच्छे सेंटर्स पे लेके जा सकते हैं आप, और क्योंकि हम मरीजों को संभाल सकते हैं पर व्यवस्था का जिम्मा, चूँकि रेमडेसिविर इंजेक्शन का और ऑक्सीजन का जिम्मा सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। पहले सिलेंडर्स आते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी, पर शायद कमी की वजह से लिया है। पर मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन और सभी शासन प्रशासन के सभी लोगों को निवेदन करना चाहूँगा कि इस संकट की घड़ी में हमारा साथ दें, और मैं मरीजों के परिजन से भी निवेदन करके कि धैर्य रखें। हमने 10-12 दिन से जब से ऑक्सीजन की किल्लत हुई है बहुत मेहनत से और डेडिकेशन से काम किया है, और उसके रिजल्ट्स भी, परिणाम भी अच्छे आए हैं, बहुत सारे मरीज हमारे ठीक होके गए हैं। परंतु ऑक्सीजन ऐसी चीज़ है कि जिसको कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि जो हमें अपनी ज़रूरत है 45 सिलेंडर्स की, वो व्यवस्था कराई जाए, अन्यथा हमारे जो मरीज़ हैं उनको सरकारी अस्पताल में शिफ्ट करें या कहीं भी ऐसी व्यवस्था कराएं जिससे हम मरीजों की जान बचा सकें। क्योंकि यदि मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिली तो हमारे यहाँ पर भी जो है ना कैजुअल्टीज़ हो सकती हैं।